Hello learners, welcome back to my channel InfoBHU. Today we will continue our MCQ series related to computer awareness. And as you know students, इस series में हमने पहले sample questions को discuss किया है और अब हम last year question papers को discuss कर रहे हैं, यानी कि वो previous year entrance examination papers आपके जिनमें भी computer awareness से related जो भी questions आए हैं हम उन्हें solve कर रहे हैं. इससे पहले वाले video में आपको 2019 and 2018 के questions मिल जाएंगे. आज हम 2017 and 2016 के questions को solve करने वाले हैं. And students, I will suggest you कि आप नोट्स जरूर बनाएं इस वीडियो सीरीज से, बिकॉज इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज दी कॉन्सेप्ट्स जस्ट बिफोर द एग्जाम. सो यूटिलाइज दिस वीडियो सीरीज एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न. एंड जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माई चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी. सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड लेट्स बिगिन नाउ. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, ये 2017 में आया हुआ पेपर है, यानी कि बीकॉम 2017 में. और यहाँ जो फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट लिखा है, इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ये बीकॉम का ही पेपर है, बट बीकॉम को फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा. एंड लेट्स सी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड. एंड वी हैव इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा है आपसे. तो क्वेश्चन नंबर 46 में है, ये है कि टेक्निक यूज बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज. सो यहाँ आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, सेकंड इज पल्स स्ट्रेचर, थर्ड इज क्वेरी प्रोसेसिंग, या फोर्थ इज क्यू मैनेजमेंट. तो आपका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन. पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी PCM, इट इज़ अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट द एनालॉग सिग्नल डिजिटली. इसलिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. इसमें ये पूछा है आपसे कि एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन अ पेपर मीडिया. सो आपसे ये पूछा है कि वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का नाम आपको बताना है जो कि पेंसिल मार्क्स को रीड कर सकती है जब अगर वो पेपर पे हो. तो ये है आपकी OMR. यस, वही OMR शीट जिन पे आप आजकल एग्जाम्स देते हैं और आप बहुत फेमिलियर भी हैं उससे. तो इसी को बोलते हैं आपके ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी कि OMR शीट्स. और यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4th. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. इट सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन IC इज. सो IC की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज आपसे पूछा है. यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हो सकती है. सो फर्स्ट वन इज़ ईजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेलियर, सेकेंड इज एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, थर्ड इज रिड्यूस्ड कॉस्ट, एंड फोर्थ इज लो पावर कंजम्पशन. ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है आपकी इजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेलियर, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है. किसी भी IC की सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही हो सकती है कि उसको ईजिली रिप्लेस हो जाए इन केस ऑफ द सर्किट हैज़ गॉन फेल्ड. ओके, और यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 49. इसमें ये पूछा आपसे कि डेटा डिवीजन इज़ दी थर्ड डिवीजन ऑफ अ डैश प्रोग्राम. सो आपको यहाँ पे गैप को फिल इन करना है कि कौन से प्रोग्राम में जिसका थर्ड डिवीजन है उसे डेटा डिवीजन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन इज कोबोल, सेकेंड इज बेसिक, थर्ड इज पास्कल, फोर्थ इज फोर्थ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो कोबोल है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है, एंड कोबोल में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं डेटा की, ठीक है, वो कोबोल में 4 ग्रुप्स में उनको ग्रुप किया जाता है और 4 डिविजन्स में एक्चुअली वो डिवाइडेड हैं. तो थर्ड डिवीजन इसलिए आपसे पूछा था यहाँ पे. तो आप अदर डिविजन्स के भी नाम याद रखिएगा, ये मेरा सजेशन है आपको. और मैं ये भी कहूँगी आपको कि यहाँ जैसे आप के यहाँ ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इसको भी पढ़िए. और बेसिक जैसे यहाँ पे मेंशन है तो इसके बारे में भी जानिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड और भी आप जो है नोट्स साथ ही साथ बना सकते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 49 के अलॉन्ग विद दैट. आप वो भी नोट कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा. एंड थर्ड, ये पास्कल का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, तो इसके बारे में कुछ लिख लीजिएगा. और जो फोर्थ है ना, ये FORTH, ये फुल फॉर्म इसका होता है. ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज है, तो इसके लिए इसका फुल फॉर्म इसके साथ लिख लीजिएगा. तो इस तरह से भी आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स. एक ही क्वेश्चन से देखिए आपके पास कितनी सारी नॉलेज जो है यू कैन गेन अलॉन्ग विद दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच लैंग्वेज वॉज डिवाइज्ड बाय डॉक्टर सेमोर ऑब्रे पेपर्ट. तो इन्होंने कौन सी लैंग्वेज को जो है डिवाइस किया था, तैयार किया था, तो यही आपसे पूछा है. तो इन्होंने लोगो जो लैंग्वेज है ना, थर्ड ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. और ये
इसका फुल फॉर्म होता है लोगों का लैंग्वेज फॉर ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ठीक है, तो ये आप फुल फॉर्म के साथ याद रखिएगा। एंड ये जो डॉक्टर सेमर ऑब्रे पेपर्ट हैं, ही इज़ ऑल्सो फेमस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्टूडेंट जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत फेमस एक कंसेप्ट है AI, तो उसके लिए भी इन्हें क्रेडिट दिया जाता है। ही वॉज अ पायनियर इन दिस फील्ड। सो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, डॉक्टर सेमर ऑब्रे पेपर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। सो अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इन सम कोड सिस्टम अदर देन दी नॉर्मल वन इज नोन एज। सो किसी कंप्यूटर डेटा को कन्वर्ट करना एक कोड सिस्टम में जो कि नॉर्मल सिस्टम के नॉर्मल कोड्स के अलावा, ठीक है, तो वो कौन सी आपकी ऐसी प्रोग्राम है जो ऐसा कर सकती है, कंप्यूटर डेटास को जो है कोड कर सकती है, तो वो आपकी होती है इनकोडर। सो यहाँ ऑप्शन नंबर 1। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 52। अ डिवाइस डिजाइन टू रीड इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इनटू अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इज नोन एज। सो एक ऐसी डिवाइस विच इज़ डिजाइन टू रीड इन्फॉर्मेशन जो कि एक प्लास्टिक कार्ड पर इनकोडेड होती है, वो होती है आपकी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कार्ड पंचर। तो कार्ड पंचर एक ऐसी डिवाइस है जो जिस स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स पर जो इन्फॉर्मेशन इनकोडेड होती है वो उसे रीड कर सकती है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ है, कार्ड पंचर। नेक्स्ट इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर यूजेस डैश टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है डिजिटल सिग्नल्स को, ये कौन सी आपके हाइब्रिड कंप्यूटर को आप यूज़ करके कर सकते हैं, तो ये है मॉडेम। तो मॉडेम का एक्चुअली फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इसे आप डिवाइड कर लीजिए MOD और DEM में, तो ये मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट करके ही हम मॉडेम बोलते हैं इसे। तो मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू टॉक टू अनदर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी कि मॉडेम है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 54। इट सेज अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स वीडियोज और टर्मिनल्स यूज अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर इज। सो आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक टेप्स वीडियोज और टर्मिनल्स का एक अगर ग्रुप का बनाया जाए, ठीक है, तो इस ग्रुप को विच इज़ बी इन कंट्रोल बाय वन मास्टर, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर स्टूडेंट्स आप जानते ही होंगे, किसी भी चीज़ के ग्रुप को मोस्टली क्लस्टर बोला जाता है इन जनरल लेमैन लैंग्वेज, बट यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक टेप्स वीडियोज़ और टर्मिनल्स का अगर एक ग्रुप है विच इज़ बीइंग कंट्रोल बाय वन मास्टर, तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्लस्टर। सो क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स एक्टिंग लाइक अ सिंगल सिस्टम। तो बहुत सारे सर्वर्स अगर वो एक साथ ग्रुप किए जाए, एक सिंगल सिस्टम की तरह उन्हें ट्रीट किया जाए, तो उसे क्लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। वी हैव अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स सिग्नल कन्वर्जन इज। सो सिग्नल कन्वर्जन के लिए आपकी कौन सी डिवाइस यूज कर सकते हैं, यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से। सो मॉड्यूलेटर इज वन डिवाइस यू कैन यूज टू परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 56। आई थिंक स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया होगा, हमने 46 से स्टार्ट किया था, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 56। तो इससे पहले 2017 से भी और 17 और इससे पहले के जितने भी पेपर्स आपके होते थे उसमें स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चंस आते थे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से, और अब वो 6 हो गए हैं रिड्यूस होकर क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी इस वाले 2017 और 2016 के पेपर में, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस तो है ही मेरे ख्याल से, मैंने काउंट किया था इस वाले पेपर में। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइट एंड डार्क मार्क्स विच कैन बी ऑप्टिकली रेड इज नोन एज। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सब अवेयर हैं, बार कोड ही ऐसी लाइन्स होती हैं जो लाइट एंड डार्क मार्क्स होते हैं जिसे ऑप्टिकली रीड भी किया जा सकता है। तो ये कोड्स कौन से होते हैं, बार कोड, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 57। अ टाइप ऑफ चैनल यूज टू कनेक्ट अ सेंट्रल प्रोसेसर एंड अ पेरिफेरल विच यूजेस मल्टीप्लाइंग इज नोन एज। सो एक टाइप ऑफ चैनल आपसे पूछ रहा है विच इज यूज टू कनेक्ट अ सेंट्रल प्रोसेसर एंड द पेरिफेरल्स, ठीक है, विच यूजेज अ मल्टीप्लाइंग, ठीक है, तो इस तरह की जो चैनल है उसे क्या हम बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है यहाँ पे, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ चैनल। मल्टीप्लेक्सर एक चैनल टाइप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 58। इट सेज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल वाज बेस्ड ऑन दी ऑन डैश बिट प्रोसेसर्स। तो आपसे पूछा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे उनके साथ जो प्रोसेसर्स होते थे उनके माइक्रो प्रोसेसर्स वो कितने बिट के होते थे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका 8 बिट है, ठीक है, तो और सेकेंड जनरेशन में 16 बिट होते थे और थर्ड जनरेशन में 32। तो ये हर बार जो है इंक्रीज होता गया, बट फर्स्ट जब आया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तो उसमें
8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 8 बिट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 59, द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज नोन एज। सो जो डेटा डेटाबेस में स्टोर्ड है उसकी अगर आप कंप्लीट पिक्चर, उसको क्या बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है बेसिक। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, स्कीमा। तो स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्रिंट ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट पिक्चर है, जो डेटाबेस में जितना भी डेटा स्टोर्ड है उसकी, तो उसको हम बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। इसको ब्लू प्रिंट ऑफ डेटाबेस भी बोलते हैं, दिस इज अनदर नेम फॉर दिस। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 60, एंड दिस सेज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन ऑल एप्लीकेशंस रन्स ऑन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे जो है रन होने वाले हर एक एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए कौन से इनमें से जो है इंटेंडेड पर्पजली उसको मतलब जो है बिल्ड किया गया था। तो ये है आपका PL/1, यानी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। दिस इज़ अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू असेंबली लैंग्वेज, एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय IBM। तो ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसे डेवलप किसने किया था, IBM ने डेवलप किया था इसे। PL/1 ये जो आपकी थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इस पेपर में जितने भी कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 60 तक। एंड लेट्स सी 2016 में कौन से क्वेश्चंस आए थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज 2016 क्वेश्चन पेपर, एंड बीकॉम का क्वेश्चन पेपर है ये। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके 2016 में ये क्वेश्चन पेपर आया था। लेट्स सी आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस कहाँ पर हैं इस पेपर में। वेट, ओके। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 91 से आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द टाइप ऑफ फाइल विथ द .mpeg एक्सटेंशन इंडिकेट्स। सो स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन पे कंप्यूटर एक्सटेंशन जो भी इंपॉर्टेंट लगे थे मुझे, मैंने उनके एक अलग से वीडियो बनाया भी था, एंड इट वाज अ रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। एंड ये इसके अलावा मुझे कभी, देखिए एक्सटेंशंस पे और कोई क्वेश्चन किसी भी ईयर में मिला नहीं, बट मुझे लगा कि अगर एक बार आया तो हो सकता है रिपीट भी करे। तो .mpeg इस वाले पेपर में पूछा है 2016 वाले में, उसके अलावा कभी भी कंप्यूटर एक्सटेंशंस पे और कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। बट ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आया तो फ्यूचर में भी नहीं आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि ये एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जो भी फाइल्स के साथ एक्सटेंशंस ये यूज़ होते हैं ये क्यों होते हैं, और कौन से टाइप की फाइल के साथ कौन से एक्सटेंशंस यूज़ होते हैं, ये स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है चैनल की, उसमें मिल जाएगा ये कंप्यूटर एक्सटेंशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे जो पूछा है कि .mpeg एक्सटेंशन किस टाइप की फाइल के साथ यूज़ होता है। तो ये हमेशा वीडियो फाइल्स के साथ यूज़ होता है, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इट इज़ वीडियो, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय विच यूनिट्स। यानी कि आप प्रिंटर का जो आउटपुट होता है उसे अगर आप क्वालिटी उसकी मेजर करना चाहें तो आप उसके लिए किस यूनिट को यूज़ करके उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है DPI, ठीक है, ये करेक्ट है, यानी कि डॉट्स पर इंच, दिस रिफर्स टू द आउटपुट रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर। तो डॉट्स पर इंच यानी कि DPI इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 93, दिस सेज विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सो आपसे पूछा है कि जितने भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें से सबसे पॉपुलर कौन सा था। तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, IBM 650 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ से 1 आप हटा लीजिएगा, ये जो है 650 से पहले जो 1 है ये मिसप्रिंट है आई होप, क्योंकि IBM 650 तो है, IBM 1650 मैं नहीं जानती ये कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद से मिसप्रिंट ही रहा होगा। तो IBM 650 दिस वॉज दी मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कि IBM का ही है ऑफकोर्स, यहाँ पे आप पढ़ के नाम भी देख सकते हैं। एंड ये भी आप इसके इससे रिलेटेड एक फैक्ट अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा कि दिस वॉज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर। सो वर्ल्ड का फर्स्ट जो जिस ऐसा कंप्यूटर जिसका मास प्रोडक्शन हुआ था वो कौन सा था, यही IBM 650। तो ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर के से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये जो भी फैक्ट्स और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे पता है वो भी मैं साथ ही साथ डिस्कस करती रहती हूँ आपके साथ। बिल्कुल इसे आप लिख लीजिएगा, एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बट यहाँ पे IBM 650 है, 1650 मत लिख लीजिएगा, वो गलत है, ठीक है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 वी हैव विच विल नॉट हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम. तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम को हार्म नहीं करता है. नॉट ज़रूर पढ़िएगा स्टूडेंट्स, मिस मत कीजिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए हमेशा, ठीक है. तो ऑप्शंस हैं आपके पास, फर्स्ट वन इज़ फायरवॉल, सेकंड इज़ वायरस, थर्ड इज़ ट्रोजन हॉर्स या फोर्थ इज़ वर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका फायरवॉल है. फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम विच मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स. तो ये एक तरह का एंटीवायरस या प्रोटेक्शन लेयर की तरह इसे याद रखिएगा कि फायरवॉल क्या होता है. बेसिकली इट इज़ अ प्रोटेक्शन लेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को सेव करता है. तो ये हार्म तो बिल्कुल भी नहीं करता होगा. और अगर स्टूडेंट्स आप सपोज कर लीजिए कि आपको फायरवॉल क्या है ये पता नहीं है, तो मुझे अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता और मुझे एकदम आइडिया नहीं होता कि फायरवॉल क्या होता है, तो मैं इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकती हूँ बहुत ही आसानी से. जैसे आप जानते हैं कि वायरस कैन हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम, आप ये भी जानते हैं कि ट्रोजन हॉर्स भी वही है और वर्म्स भी वही होते हैं. दे कैन अफेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम, दे कैन हार्म योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस को भी हार्म कर सकते हैं, आपका डेटा लॉस भी हो सकता है. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इन तीनों ऑप्शन के साथ. बट इसमें से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म नहीं करता, तो जब आपको पता है कि ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड और थर्ड और फोर्थ तो हो नहीं सकते, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वन. तो यानी कि आप एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं. बट स्टूडेंट्स ऐसा उसी केस में कीजिएगा जहाँ पे आपके अदर थ्री ऑप्शंस बिल्कुल भी रेलेवेंट ना हो और फर्स्ट या जो भी रिमेनिंग ऑप्शन है सिर्फ वही आप उसे चूज़ कर सकते हैं. तो जब आप फुल टू श्योर हो तभी आप ऐसे जो है एलिमिनेशन के थ्रू जाइएगा, अदरवाइज़ नहीं. बट ये जैसा एक केस था मैंने इसीलिए समझाने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे तीनों ऑप्शंस आप चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं. बट एक ही बचा जो फायरवॉल है. अगर किसी स्टूडेंट को फायरवॉल क्या है ये नहीं पता होता तो एलिमिनेशन के थ्रू भी इसी सेम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन फायरवॉल है. बट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है. इट इज़ बेसिकली अ प्रोटेक्शन लेयर. नेक्स्ट वी हैव विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेज अ रिबन. सो ऐसा कौन सा आपका प्रिंटर है जिसमें रिबन का यूज़ होता है. दिस इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. सो ये क्या होता है, इसमें जो एक क्लोथ स्ट्रिप होती है विच इज़ बीइंग सोक्ड इन दी प्रिंटर इंक, उसको प्रिंटर इंक में सोक करके जो है इंसर्ट किया जाता है. और ये क्लोथ जो स्ट्रिप होती है जो आपका ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, दे प्रिंट इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग टाइनी डॉट्स कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद दी क्लोथ स्ट्रिप, ठीक है. जो क्लोथ स्ट्रिप आपने प्रिंटर इंक के साथ सोक करके डाली होगी उसके साथ ही वो स्ट्राइक करके उसे जो है प्रिंट करता है. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 96. इसमें लिखा हुआ है कि टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू. सो अगर आपको जो है इंटरनेट से कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है उसे, तो आपको जो है किससे कनेक्ट करना होगा अपने कंप्यूटर को, तो ऑब्वियसली आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी. तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ISP. दीज आर दी मेन एजेंट्स थ्रू विच एवरी कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू दी इंटरनेट. सो हर वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो ISP के थ्रू ही कनेक्ट होता है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन. आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 97 में कि CPU स्टैंड्स फॉर. तो आप सबको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है. CPU का आपसे फुल फॉर्म पूछा है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आई थिंक. क्वेश्चन नंबर 98 दिस सेज कि DTP स्टैंड्स फॉर. तो आपसे पूछा है कि DTP जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है. सो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग. तो स्टूडेंट्स ये टर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए, सिर्फ इसका फुल फॉर्म जानना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये टर्म जो है ये क्या डिनोट करता है, क्या मतलब होता है. बेसिकली ये पर्सनल कंप्यूटर्स या जो डेस्कटॉप होते हैं उनके लिए, उनके रेफरेंस में यूज़ होता है. अगर आप जो है अपने PCs या डेस्कटॉप पे किसी पेज लेआउट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके किसी डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट कर रहे हो तो उसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहा जाता है. बेसिकली इट इज़ द क्रिएशन ऑफ documents using the page layout software on a personal computer या फिर desktop पे जब आप use कर रहे हो, इसी को आप desktop publishing बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका option number fourth correct है. Next we have question number 99. Which one of the following does general computer calculations for CPU? So CPU के लिए general calculations कौन perform करता है. So students I think ये बहुत ही easy question है. सो आप सब जानते हैं कि ALU का फुल फॉर्म ही होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. तो यही आपके सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं ALU में ही, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और जो भी कंपैरिजन ऑपरेशंस होते हैं ये सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं, ALU में. तो ALU इज़ दी करेक्ट ऑप्शन हियर. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है.
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 100. इट सेज लैन स्टैंड्स फॉर, तो आपसे पूछा है लैन का फुल फॉर्म. तो यहाँ पे जो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका. तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. तो स्टूडेंट मैं कई बार आपको ये बात बोलती भी रहती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ कि जितने भी फुल फॉर्म्स हैं ना, जितने भी एब्रीविएशंस हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. एंड कंप्यूटर से तो मैंने देखा बहुत सारा एब्रीविएशंस वो पूछते हैं हर बार, ठीक है, हर पेपर में अपियर होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. तो इसे ज़रूर याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 101. सो लिनक्स इज़ अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ BHU. तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि लिनक्स क्या है. तो लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी 2019-18 में किसी पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है. एंड स्टूडेंट्स, इस बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप कंप्यूटर की जो चैनल पे जो कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा. वहाँ पे हमने OS को जिस वीडियो में डिस्कस किया है वहाँ पे आपको इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 102. विच वन ऑफ इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं आपके पास उसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है. तो यहाँ पे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं. बट MS Word जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपका जो है इट इज़ नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर. तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन अगेन यूज़ कर सकते थे. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफकोर्स हैं, ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है. तो आप जो है MS Word को सिंपली आप एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 103. टू कम्युनिकेट लाइव थ्रू इंटरनेट विच वन इज़ यूज्ड. सो अगर आपको कम्युनिकेट करना है लाइव और इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं आप अगर, और आपको लाइव कम्युनिकेट करना है तो आप इनमें से क्या यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज टॉक, सेकेंड इज़ चैट, थर्ड इज़ ईमेल एंड फोर्थ इज़ FTP. तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. ईमेल्स जो है ना कुछ ही सेकेंड के डिले पे जाते हैं. तो यहाँ पे जो लाइव ऑप्शन, यहाँ पे जो लाइव एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से यहाँ पे आपका 3rd ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ईमेल, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 104. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ. सो आपसे ये पूछ रहा है जितने भी ऑप्शन यहाँ पे हैं इसमें से ब्लूटूथ का एग्जाम्पल कौन सा है. तो यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि जो पैन है ना, ये ब्लूटूथ का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. ब्लूटूथ के लिए यूज़ कर सकते हैं पैन को, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. और स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल एरिया नेटवर्क ये होता क्या है. तो मैं इसके बारे में थोड़ा ही बता देती हूँ, बहुत डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग दी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर सेंटर्ड ऑन दी इंडिविजुअल पर्सन वर्क स्पेस. यानी कि किसी पर्सन के वर्क स्पेस से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. तो यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क सिर्फ जो है आप ब्लूटूथ के एग्जाम्पल में आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 105. इसमें आपसे पूछ रहा है कि साइज ऑफ IPv6 एड्रेस इज़. सो आपसे पूछा है कि IPv6 एड्रेस की साइज जो है आपसे पूछ रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 128 बिट्स करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. एंड स्टूडेंट्स, ये IPv क्या है. तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इसका फुल फॉर्म होगा IPv का. एंड जो 6 है यहाँ पे, ये इसका नंबरिंग है वर्जन्स के लिए, ठीक है. और इससे पहले जो IPv4 था यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, उसका साइज 32 बिट्स था. और अभी जो प्रेजेंटली यूज़ हो रहा है IPv6, इसका वर्जन जो वर्जन 6 है आपका, उसका साइज आपसे पूछ रहा है तो वो है 128 बिट. So students, this is all for today. Hope the questions were clear to you. And as this week, we will be covering MCQs on computer awareness as our topic for the One Topic One Week series. There are many more videos to come. So please convey your doubts in the comment box and through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box and I will include them as well. Stay home, stay safe. Like the video, share it with your friends and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.